हेलो एंड वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ रॉज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आई प्रज्ञा पांडे वेलकम यू ऑल टू आर वेरी स्पेशल सीरीज ऑन डेली न्यूज़ रिव्यू बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के नोबल प्राइजेस के बारे में नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से एक पॉपुलेशन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने मिलेगा वैन इट कम्स टू नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया और इसके क्या इम्पैक्ट हमें लोकसभा इलेक्शंस पर देखने के लिए मिल सकते हैं साथ ही हम बात करेंगे कार्बन के लिए एक अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ पर क्रिएट करने की बात की जा रही है बहुत ही अच्छा आर्टिकल है फॉर आर जी एस पेपर थ्री नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे साथ ही हम डिस्कस करेंगे पहले इलेक्शन में 2019 के बाद लद्दाख में अगर आप देखेंगे तो वोटिंग का जो परसेंटेज हो चुका है वो पहुंच गया है 77.61 परसेंट एंड लास्टली विल बी टॉकिंग अबाउट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट इन सिक्किम सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज़ देखिए केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबल प्राइज़ यहाँ पर दिया जा चुका है 2023 के लिए और ये प्राइज़ मिला है तीन लोगों को जिनके नाम आप देखेंगे मोंगी जी बावेंडी लुइस ईब्रस एंड एलेक्सी आई केमिमो कारण क्यों है ये मिलने का देखिए इन्होंने डिस्कवरी करी है क्वांटम डॉट्स को लेकर क्वांटम डॉट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं जो यूजुअली हमें न्यू एज एल ई में कंप्यूटर्स में देखने के लिए मिल जाती हैं जो कैंसर्स सेल्स को डिटेक्ट करने में ऑपरेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसके लिए यहाँ पर इनको अवार्ड दिया गया है यूजुअली जब हम क्वांटम डॉट्स की बात करते हैं तो आप एक चीज़ याद रखेंगे ये नैनो स्केल सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई देंगी जैसे कि ये यहाँ पर टेलीविजन एल ई डी स्क्रीन्स पर आपको जो लाइट देखने मिल रही है एल ई डी लैम्प्स में जो लाइट देखने मिल रही है कैटेलाइजिंग केमिकल रिएक्शंस ये यहाँ पर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये ट्यूमर टिश्यू को इल्यूमिनेट कर देते हैं जिसकी वजह से सर्जन को कैंसर सर्जरी करने में बहुत आसानी देखने के लिए मिल जाती है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही क्विक रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं कि नोबल प्राइजेस जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं ये फिजिक्स में किसको मिला है फिजियोलॉजी में किसे मिला है तो याद करिए फिजिक्स में यहाँ पर अवार्ड मिला है पियरे ऑगस्तिनी को फ्रैंक क्रूस को और एनी एन एल को ओके कारण क्यों उनको ये अवार्ड दिया गया है एटो सेकेंड पल्स को डिस्कवर करने के लिए फिजियोलॉजी की बात करें या मेडिसिन की बात करें तो कैटेलिन कारियोके एंड ड्रू वेसेमन को यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है इनकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी देखने मिली है फॉर दी एम आर एन ए आगे अगर हम बात करें तो क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं ये सबसे बड़ा सवाल है क्वांटम डॉट्स एक नैनो स्किल सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स है जिनकी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी आपको देखने मिलेगी दैट मींस इनका साइज यहाँ पर वेरी कर सकता है इनका कलर यहाँ पर वेरी कर सकता है फ्रॉम फ्यू नैनोमीटर्स इन अ डायमीटर ओके ये यूजली कैडियम सेलेनाइड कैडमियम टैल्योराइड और इंडियम आर्स नाइट से मिलकर बने होते हैं और जिस तरीके से ये लाइट को ऑब्जर्व करते हैं जो वेव लेंथ होती है उसके अनुसार ही जो इनका साइज है वो हमें डिफरेंट देखने मिलेगा ओके विद दिस इमेज आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड सो याद रखिएगा क्वांटम डॉट की जो साइज़ है ये चेंज uh, हो सकती है वेव लेंथ ऑफ लाइट दे ऑब्जर्व एंड दे इमिट जैसे जैसे क्वांटम डॉट्स की साइज साइज चेंज होती जाती है उसी के हिसाब से इसका जो कलर इमिजन है वो भी आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा यू कैन सी हाउ द कलर इज चेंजिंग चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी तो क्वांटम कन्फाइनमेंट हमें देखने के लिए मिल जाता है इनका जितना छोटा साइज आपको देखने मिलता है क्वांटम डॉट्स कन्फाइन इलेक्ट्रॉन्स और होल जो कि पॉजिटिवली चार्ड वैक्सीन्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं उसको यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं इनका ये जो कन्फाइनमेंट होता है इट कैन लीड टू डिस्क्रीट एनर्जी लेवल रेजिमेंट सेंट ऑफ द क्वांटम बिहेवियर विच कैन बी सीन इन दी एटम्स साथ ही ये एक प्रिसाइज कंट्रोल क्रिएट करते हैं ओवर द एनर्जी स्टेट एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम डॉट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दे आर ब्राइट एंड एफिशियंट लाइट इमेजिंग ओके ये यहाँ पर एक्सेप्शनली ब्राइट और एफिशिएंट लाइट को एमिट कर सकते हैं जिसकी वजह से ये एक सुपीरियर फॉर्म क्रिएट कर देते हैं टू दी ट्रेडिशनल फ्लोरोसेंडाइस एंड फोटोफोर्स नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनकी एक और खासियत हमें देखने मिल जाती है कि ये अपने साइज को और कंपोजिशन को एडजस्ट कर लेते हैं और इस ट्यूनेबिलिटी के कारण एक क्वांटम डॉट का स्पेसिफिकल ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट करने में मदद मिल सकती है लास्टली अगर हम बात करें तो दे बिकेम वेरी एसेंशियल पार्ट जब बात होती है बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्रिएट करने की इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी ये एक प्रिसाइज कंट्रोल प्रोवाइड कर देते हैं नैनो स्केल स्ट्रक्चर के ऊपर जो कि नई नई पॉसिबिलिटी यहाँ पर खोल देता है वैन इट कम्स टू नोवल मटेरियल एंड दी डिवाइज आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल हम बात करने वाले हैं री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साउथ अकोलेट फॉर द नॉर्थ देखिए इंडिया जिस फेडरल डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं स्पेशली जब बात आती है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की पॉपुलेशन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी आपको देखने मिल जाती है रीजनल डाइवर्सिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है ऐसे में आप अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करेंगे तो एक शार्प कॉन्ट्रास्ट आज के डेट में नोटिस किया गया है वैन इट कम्स टू नदन स्टेट पॉपुलेशन एंड द सदरन स्टेट पॉपुलेशन यू विल फाइंड कि नदर स्टेट का जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो सदन स्टेट के मुकाबले में थोड़ा कम देखने के लिए मिल रहा है विच मीन्स लिमिटेड पॉपुलेशन मोर द सोशल डेवलपमेंट मोर द ग्रोथ और यहीं पर हमें एक फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम जो कि डेमोग्राफी पे पूरी तरीके से निर्भर करता है सेंसस पर निर्भर करता है वो भी समझना होगा देखिए आर्टिकल 81 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये स्टिपुलेट करता है कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन दी कंट्री शुड बी इक्वल बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन पहले तो आप ये चीज़ समझ लें दूसरी ये बात कर रहा है उन्नीस के सेंसस के हिसाब से अगर हम बात करें तो लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं स्टेट के लिए उनको डिटामाइन कर दिया गया और फ्रीज़ कर दिया गया अगले 25 सालों के लिए हालांकि फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के बाद 1976 में वहीं अगर हम बात करें तो 2001 में थ्रू द एटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ये जो फ्रीज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है सारी स्टेट्स के लिए इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया अनटिल द फर्स्ट सेंसेस आफ्टर 2026 ओके अब देखिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये हर स्टेट में आपको डिफर होती हुई नजर आएगी अगर आप नॉन स्पीकिंग नॉन हिंदी स्पीकिंग सदर्न स्टेट्स में देखेंगे और हिंदी स्टेट्स में देखेंगे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का इट इज़ डिफरेंट और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे समझ आएगा अगर 97 से 2011 के बीच में देखें तो जो प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का नदन स्टेट फॉर एग्जांपल बिहार छत्तीसगढ़ गुजरात झारखंड मध्य प्रदेश जैसी जगहों की अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 44 परसेंट टू 48.2 परसेंट लेकिन यही प्रपोर्शन पॉपुलेशन का अगर हम देखें तो सदन स्टेट्स में अगर देख लिया जाए लाइक like आंध्र प्रदेश कर्नाटका केरला तमिलनाडु तो आप देखेंगे ये डिक्लाइन हो गया है फ्रॉम 24.9 परसेंट टू 21 परसेंट ओके और इफ़ द इक्वल साइज ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बाई पॉपुलेशन इज फोर्स टुडे एज इन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन ऑफ 23 द फाइव सदन स्टेट विल लूज द 23 थ्री सीट्स विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न ओके क्योंकि यहीं पर जो नदन स्टेट है ये 37 सीट्स गेन कर लेंगे बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न विच वी आर टॉकिंगयर अब देखिए केवल और केवल चुनावों को लेकर ये एक समस्या नहीं बनी हुई है बात की जाती है फिजिकल ट्रांसफ़र की भी अगर हम बात करें तो देखिए हर साल जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है ये फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश करता है ताकि ये रिकमेंडेशन कर कर सके किस तरीके से टैक्स और रेवेन्यू का एलोकेशन होगा वो बता सके और यहाँ पर जो पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम है ये बहुत ही क्रूशल फैक्टर प्ले करता है जब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यू टू स्टेट्स ऑन द है वो हम बोल सकते हैं है. किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया जाएगा ये आपको हर जगह से दूसरी जगह पर अलग देखने के लिए मिलेगा इनिशियली अगर हम बात करें तो पहला फाइनेंस कमीशन जो कि स्टेट शेयर ऑन इट्स पॉपुलेशन साइज पर बात कर रहा था इट वॉज सक्सेसिव फाइनेंस कमीशन reduce the वेट ऑफ population वाइल इंट्रोड्यूसिंग the अदर वेरिएबल्स into the formula और वहीं अगर हम एट फाइनेंस कमीशन से लेके थर्टींथ फाइनेंस कमीशन की बात करें तो पॉपुलेशन को यहाँ यूज़ किया जाता था लेकिन सदर स्टेट्स को ऐसी कंडीशन में रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं क्योंकि इनका जो पॉपुलेशन कंट्रोल ग्रोथ मेजर है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग आपको देखने के लिए मिलेगा चलिए बात कर लेते हैं फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन के बारे में देखिए इस फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो ये 2020-21 से लेकर 25-26 तक हमें देखने मिलेगा इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया है जहां पर ये डिटरमाइन करेगा क्या शेयर होगा क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स और रेवेन्यू होगा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो प्राइमरी मैथड यहाँ पर यूज़ की जा रही है फाइनेंस कमीशन के द्वारा जिसमें वो स्टेट्स को शेयर देगा उसके कुछ फैक्टर्स को हम यहाँ समझ लेते हैं सबसे पहले बात की जा रही है पॉपुलेशन की देखिए फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन ने इनकॉर्पोरेट किया है 2011 के सेंसस को एज़ यू ऑल नो कि 2011 के बाद अभी कोई सेंसस यहाँ पर नहीं हुए हैं इट वाज प्रपोज्ड लेकिन कुछ कारणों से कोविड या दूसरे रीजन्स की वजह से उसे डिले कर दिया गया है इसकी वजह से आप देखेंगे तो जो प्रीवियस फाइनेंस कमीशन है जिसने पहले उन्नीस के डेटा को यूज़ किया था उसके बाद से लेकर दो के बीच में एक बहुत बड़ा फिगर का जो शिफ्ट है वो हमें देखने मिलेगा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा हमें डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को भी यहाँ पर काउंट किया जा रहा है 2011 की के पॉपुलेशन के हिसाब से कमीशन ने बहुत सारे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस किस तरीके से स्टेट ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम किया है उनको रिवॉर्ड्स देने की भी बात यहाँ पर कही है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ बात की जा रही है इनकम डिस्टेंस की यहाँ पर कमीशन ने असेस किया है पर कैपिटल इनकम ऑफ स्टेट एज मेजर टू देयर इकोनॉमिक वेलबींग दैट मीन्स स्टेट्स विद लोअर पर कैपिटल इनकम वर गिविन अ हायर शेयर ऑफ टैक्स रिवेन्यू टू हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन द इनकम गैप एंड प्रमोटेड अ बैलेंस डेवलपमेंट अक्रॉस एज वेल एज ऐसे जो स्टेट्स हैं जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है वो आर हैविंग द हायर रेवेन्यू जनरेशन इनको रिवॉर्ड्स भी यहाँ पर किए जा रहे हैं अलॉन्ग विद डैट बात की जा रही है फॉरेस्ट कवर को ज्योग्राफिकल पॉइंट को यहाँ पर कवर किया गया है ऐसे सारे स्टेट्स जिनके पास लार्जर एरिया है हाइस्ट फॉरेस्ट कवर है इनको एडिशनल फंड दिए जाएंगे ताकि ये जो जोग्रफ़िकल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उन से निपटने के लिए भी ये यह यहाँ पर काम कर सकें नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि रेवेन्यू कलेक्शन और फिजिकल डिसिप्लिन को भी यहाँ मॉनिटर किया जाएगा साथ ही पॉपुलेशन कंट्रोल करने में अगर किसी स्टेट का बहुत अच्छा काम है तो इनको रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे और कुछ कंडीशन में लाइक like कोई स्पेशल प्रोजेक्ट है कोई नेसेसिटी है इसको ध्यान में रखते हुए जो फाइनेंस कमीशन है ये एडिशनल ग्रांट्स भी यहाँ पर रिलीज कर सकता है ओके, विद दिस चार्ट यू कैन सी किस तरीके से आपको एक क्राइटेरिया फॉर डिवॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा इन द फोर्टीन फाइनेंस कमीशन इन द फिफ्टींथ एंड अगेन इन द फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल हम बात करने वाले हैं पॉली क्राइसिस के बारे में क्या है ये टर्म इसको बहुत ध्यान से समझते हैं देखिए ये जो टर्म है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एडम टूज़ ने इसको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है ये बोलते हैं कि एक इंटरकनेक्टेड क्राइसिस हैं जहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो कि हमारे प्लानेट को कुछ फ्यू फैक्टर्स में नहीं लेकिन सेवरल फैक्टर और मल्टीपल डोमेन्स में इम्पैक्ट कर रहा है उसके लिए कंबाइंड या एक यूनिवर्सल टर्म जो है एक अम्ब्रेला टर्म जो है वो है पॉली क्राइसिस किस तरीके से हम देखें हमें फिजिकल क्लाइमेटिक चेंजेस देखने मिल रहे हैं लाइक like टेम्परेचर राइज़ कर रहा है ठीक है सी लेवल यहाँ पर राइज कर रहा है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हमें देखने मिल रही है वहीं हमें दूसरी तरफ इसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस देखने मिल रहे हैं फॉर एग्जांपल लोगों की लाइवलीहुड यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है इकनॉमी जनरेट नहीं हो पा रही है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने मिल रही है यही सारे कारण हैं जिनको हम कंबाइंड उसमें क्या बोल रहे हैं पॉली क्राइसिस क्यों क्योंकि देखिए जब इस तरीके के चैलेंजेस uh, किसी कंट्री के सामने होते हैं तो वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ फूड प्रोडक्शन जैसी चीज़ों में पीछे रह जाता है क्योंकि उसका मेजर फोकस होता है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए और इस कॉम्प्लेसिटी को और इस इंटरकनेक्टेडनेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशल डेवलपमेंट और एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेने की बात ये आर्टिकल कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बात की जा रही है कि एक डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक होल्डर्स को यहां पर शामिल करना चाहिए सभी के लिए एक इक्विटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना चाहिए अलॉन्ग विद डैट हमें एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने की आवश्यक है फॉर एग्जाम्पल हमें हमारी इकोनॉमी को सेंसिटिव बनाना होगा प्लानिट के लिए जस्ट इन अ सिमिलर वे जैसे हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इसी तरीके से हमें लोगों को सेंसिटिव बनाने के लिए जागरूक बनाने के लिए क्या करना होगा नए नए स्टार्टअप्स लाने होंगे पब्लिक सर्विसेज क्रिएट करनी होंगी जहां पर कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट uh, करने के लिए अपॉर्चुनिटीज फ्लरिश की जाए कार्बन से कार्बन पॉल्यूशन से निपटने के लिए फ्यूचर में क्या पॉलिसीज किए जा सकती हैं उनको क्रिएट किया जाए एक पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाए कि हाउस होल्ड लेवल पर क्या काम हम कर सकते हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पंचायत लेवल पर डिस्ट्रिक्ट स्टेट और कंट्री लेवल पर अब ये सब कब संभव है देखिए किसी भी चीज़ को तब सुधारा जा सकता है जब उस का अकाउंट किया गया हो जब ये पता हो कि प्रॉब्लम कहाँ है तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा तो इसी के लिए आर्टिकल सबसे पहली बात कर रहा है कि मेजरमेंट यहाँ पर सबसे पहली की इंडिकेटर बन जाता है जब बात की जाएगी अकाउंटेबिलिटी की मेजरमेंट यहाँ पर करना ज़रूरी है जब तक कार्बन एमिजन को मेजर नहीं किया जाएगा कि इंडिविजुअल सिटीजन या नेशन या एज ए होल हम कितना कार्बन इमीजन कर रहे हैं तब तक एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी तो सबसे पहला हमारा काम है एक मेजरमेंट सिस्टम को क्रिएट करना जो हाउस होल्ड लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक और ग्लोबल लेवल तक यहाँ पर हमारी कार्बन अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर सके और इसी सब को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो किया गया है नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम इसको हमें एक्सपांड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है चलिए बात करें अगर हम एन के बारे में तो एक पैराडाइम शिफ्ट ये क्रिएट कर रहा है ये सारे लोगों को कार्बन अकाउंटेबल बनाने की बात कर रहा है ये कार्बन रिडक्शन करने की बात कर रहा है और साथ ही यहाँ पर एक वर्ल्ड वाइड टैक्स और वर्ल्ड वाइड रिवॉर्ड देने की भी बात की जा रही है व्हेन इट कम्स टू कार्बन न्यूट्रलाइजेशन अब देखिए कारण क्यों हम एनसीए की बात इस तरीके से क्यों करें देखिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच है कि, कि किस तरीके से क्वांटिफाई किया जा सके किस तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं कार्बन इमीजन को या कार्बन रिलेटेड एक्टिविटीज को यहाँ पर मेजरमेंट करने की बात की जा रही है कि कितना कार्बन फ्लो आ रहा है कितने सोर्सेज से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड पूल किस तरीके से क्रिएट हो रहा है ग्रीन हाउस गैस इमीजन कंट्री में किस तरीके से हो रहा है सो ऑन एन एवरेज जो एन सी ए हैं ये किसी भी किसी भी नेशन में स्पेशली क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कार्बन फुट प्रिंटिंग को बताने के लिए काम कर रहा है रिजल्ट क्या होगा जब आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होगी एक मेजरमेंट आएगा तभी आप अपनी पॉलिसीज़ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं टू रिड्यूस दिस टाइप ऑफ कार्बन इमिशन चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल हम बात करने वाले हैं बिहार में हुए सेंसस के बारे में देखिए सेकेंड अक्टूबर को बिहार गवर्नमेंट में पब्लिश कर दिया गया है बिहार का कास्ट बेस्ड सर्वे जो कि बता रहा है कि यहाँ पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसी को अगर बात की जाए तो ये टोटल मिला के यहाँ पर मौजूद तेरह करोड़ पॉपुलेशन का तिरसठ प्रतिशत क्रिएट करते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप इन स्टेट कारण इम्पॉर्टेंस क्यों है क्योंकि यहाँ के चीफ मिनिस्टर स्वयं भी इसी ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या यहाँ का जो रिजल्ट है उसमें क्या पता चला देखिए बिहार के जो लेजिस्लेचर है इन्होंने एक अचानक से एक रिजोल्यूशन पास कर दिया और लगभग 500 करोड़ का बजट भी सैंक्शन कर दिया कि भाई हम क्या करने वाले हैं कास्ट बेस् सर्वे कराएंगे बहुत सारे यहाँ पर विवाद हुए लेकिन एट दी एंड सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स को इंटरवेंशन करना पड़ा और उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि देखिए यहाँ पर पॉलिसी बनाने के लिए कास्ट बेस सर्वे होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और आउटकम क्या निकल कर आया कि ई जो हैं ये आपको छत्तीस प्रतिशत ओ बी सी सत्ताईस प्रतिशत शेड्यूल कास्ट उन्नीस प्रतिशत शेड्यूल ट्राइब एक प्रतिशत बुद्धिस्ट पॉपुलेशन क्रिश्चियन सिख और जैन एक प्रतिशत से भी कम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे और अगर हम बात करें अनरिज़र्व कैटेगरी की तो ये केवल और केवल कवर कर रहा है फिफ्टीन पॉइंट टू फाइव टू परसेंट ऑफ दी स्टेट ओके चलिए सो so यहाँ पर जो पूरा का पूरा ये सर्वे है इसकी जो की फाइंडिंग्स है यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ आती है सबसे पहले जो इंक्रीज़ है ओबीसी कोटा का ये 27 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ चुका है और कोटा विद इन कोटा ई बी भी यहाँ पर बना दिए गए हैं जिसके कारण आपको याद है जस्टिस रोहिणी कमीशन भी यहाँ पर बैठा था जब बात की गई थी ओ को ले ओ की सब कैटेगरी को लेकर ओके okay. अलॉन्ग विद दैट वॉट हैपन विद दिस पर्टिकुलर सर्वे देखिए ये इसने किया क्या है इसने एक डिबेट को रीओपन कर दिया है फॉर दिफ टी परसेंट सीलिंग ऑन रिजर्वेशन जिसको हमने इंदिरा सुहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कई बार पढ़ा हुआ है 1992 के केस में वहीं अगर हम बात करें तो एक फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन की बात की जा रही है कास्ट बेस सर्वे ने एक स्टेट को मदद कर दिया है अपने डी को जिसको हम पार्ट फोर में यहाँ पर डिस्कस करते हैं किस तरीके से जो स्टेट है वो कास्ट के बेसिस पर जो पीछे रह गई जातियाँ हैं जनजातीय हैं जन है, उनको फ्रंट रो में लाने के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्रिएट कर सकता है पॉलिसीज क्रिएट कर सकता है और एक सोशो इकोनॉमिक गैप को यहाँ पर ख़त्म करेगा ओके नाउ द क्वेश्चन कम कि क्या कोई इससे सर्वे से प्रॉब्लम है जी हाँ कास्ट की वजह से आप देखेंगे एक रिपरकर्शन आपको देखने मिल सकता है ओके okay. ये अगर हम कास्ट की बात करेंगे तो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कास्ट कभी भी अगर आप बात करेंगे तो इट हैज़ नेवर बीन अ प्रॉक्सी फॉर क्लास और डेप्रीवेशन इन इंडिया

चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल इन द फर्स्ट इलेक्शन सिंस 2019 लद्दाख में रजिस्टर हुए हैं 77.61 परसेंट वोटिंग फिफ्थ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल जिसे हम एल के के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट टर्न आउट हमें देखने मिला है क्योंकि 77.61 सेवन परसेंट यहाँ पर वोटिंग काउंट की गई है ये पहली बार है जब से लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है 2019 से इम्पॉर्टेंट क्यों है हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं देखिए कारगिल कारगिल का जो रिकॉर्डेड रिमार्केबल 77.61 सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट वोटर टर्नआउट है ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है उसके 2018 हज़ार के रिजल्ट से 2018 में ये जो प्रपोर्शन था ये केवल 70 प्रतिशत था जिसमें 77 परसेंट परसेंट मीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें 10 परसेंट का इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा चलिए बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में तो नदन पार्ट इंडिया में ये सिचुएटेड है लार्जर रीजन यहां पर ये क्रिएट करता है और अगर हम बात करें तो इंडिया की जो शेयरिंग बॉर्डर है विद चाइना तिब्बत बेसिकली टू ईस्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिल बल्टिस्तान टू द वेस्ट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता हुआ आपको नजर आएगा 31 अक्टूबर का लैंडमार्क दिन था 2019 जब इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर बाइफरकेट कर दिया द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू टू सेपरेट यूनियन टेरिटरीज जो बन के आएंगी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कारण क्यों याद रखिए प्रोविजन जो आर्टिकल 370 था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसे यहाँ पर स्क्रैप कर दिया गया अगर हम इसकी ड्रामोग्राफी की बात करें तो लद्दाख में डाइवर्स पॉपुलेशन मिक्स हमें देखने मिल जाएगा और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें बुद्धिज़म प्रैक्टिस करती हुई देखने मिलेगी इस्पेली इन द एरिया ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट ओके कारगिल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें लद्दाख में तो ये प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम ऑक्यूपाइड एरिया है वहीं अगर हम जिसमें भी आपको शिया मुस्लिम सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे बाकी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो तिब्बत या उससे आसपास सटे हुए जितने भी इलाके हैं यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पर आपको ल्यूटिनेंट गवर्नर देखने मिलेंगे जिनको अपॉइंट किया जाता है बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्दर लद्दाख को भी हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में विच इज़ दी लेह एंड कारगिल ओके okay, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनल फाइनेंशियल uh, जो ऑटोनोमी है इसको मेंटेन किया जा सके राइट सो देखिए समझिए इसकी इंपॉर्टेंस ये आपका आ जाता है काराकोरम ठीक है काराकोरम एरिया ये यहाँ पर बन जाता है दिस इज द पोर्शन ऑफ अक्साई चेन यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा यहीं पर आपको इम्पॉर्टेंट नूबरा वैली देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पर आपको श्योक रिवर आती हुई दिखाई देखने के लिए मिल जाएगी इंपॉर्टेंट समझिए जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर क्रिएट कर रहा है यहाँ आपको ऊपर अफगानिस्तान देखने के लिए मिल जाएगा काराकोरम रेंज देखने मिल जाएगी यहाँ मिलेगा आपको जिंज्यांग प्रोविंस प्रौ, और ये मिलेगा आपको चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत का क्षेत्र देखने के लिए में इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिकली बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हाइएस्ट और ड्राइस्ट हैबिटेट इनहैबिटेड प्लेस है अर्थ पर क्लाइमेट की बात करें तो कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट आपको देखने मिल जाएगा क्योंकि आर्किटिक टाइप ऑफ डेजर्ट टाइट क्लाइमेट दोनों यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है यूजुअली अगर हम यहाँ पर बात करें तो ग्रेवल और सैंडी लोम्स हमें देखने मिल जाती हैं एल्यूवेल फैन यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं क्ले लोम टाइप की सॉइल यहाँ पर क्रिएट हो जाती है और यूजुअली जो लद्दाख की सॉइल है इसे स्केलेटल या कैल्सीरियस अल्कलाइन रिएक्शन की जो सॉइल है उसके नाम से डिफाइन किया जाता है ओके okay? चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में और हमें समझना है फ्लैश फ्लड इन सिक्किम और इसकी वजह से पांच लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है बाईस सोल्जर्स बयालीस में से यहाँ पर मिसिंग हमें देखने के लिए मिल रहे हैं चलिए समझ लेते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या देखिए ये यहाँ पर एक घटना घटी है ठीक है ग्लेशियर लेक आउट फ्लड हमें देखने मिला है जिसकी वजह से जो साउथ लोंगकाक लेक है जो कि एक ग्लेशियर लेक है जो कि लगभग सत्रह फीट की ऊंचाई पे नॉर्थ वेस्ट सिक्किम में सिचुएटेड है यहाँ पर वर्स्ट हुआ है जिसकी वजह से एकदम से बहुत सारा पानी नीचे की तरफ आया रिज़ल्ट क्या हुआ तीसरा रिवर यहाँ पर ओवरफ्लो हो गई और जिसकी वजह से बहुत सारे जो रीजन हैं मनगान गंगटोक प्योंगोंग नामची जैसी जगह यहाँ पर फ्लड के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी चलिए बात कर लेते हैं आखिर ग्लॉफ क्या होता है ग्लेशियर लेक आउट फ्लड की बात करें तो ये एक सडन या कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है जो कि वाटर के ग्लेशियर लेक से अचानक बह जाने के कारण होता है का, होता क्यों है देखिए जो लेक्स हैं ये यहाँ पर एक टॉप में या बनीथ में यहाँ पर मेल्टिंग ग्लेशियर्स की वजह से इनका पानी बढ़ जाता है और जैसे ही अनस्टेबल आइस सेडिमेंट आपको देखने मिलेंगे लूज रॉक के ऊपर ये सडनली आउटबस्ट करके एक नेचुरल बॉर्डर जो ग्लेशियर लेक की बनाई होती है उसको तोड़ते हुए अचानक से आगे की तरफ निकल जाता है रिजल्ट इन टू एक पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो पानी से भरा हुआ आपको नज़र आ जाएगा बात करें कि ऐसी क्या कंडीशन है जिसकी वजह से ग्लॉफ ट्रिगर हो सकता है देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं अर्थक्वेक की वजह से हैवी रेनफॉल की वजह से या आइस एवलांचेस की वजह से स्टीप माउंटेनियस रीजन होते हैं ससेप्टेबल हो जाते हैं लैंडस्लाइड से आइस एवलांचेस से रिजल्ट क्या होगा अगर अचानक से यहाँ पर मेल्टिंग हो जाएगी तो ये एक लैंडस्लाइड की कंडीशन क्रिएट कर देते हैं बिल्कुल सेम कंडीशन आप देखेंगे तो 2023 हज़ार तेरह में केदारनाथ के रीजन में हमें देखने मिली थी उत्तराखंड में जहाँ पर एक डिवास्टेटिंग इवेंट हुआ था बिकॉज ऑफ द फ्लैश फ्लड और ग्लफ की वजह से अब देखिए एक बार आ, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया एक पेपर में कि जो केदारनाथ का इंसिडेंट था ये किस ग्लेशियर लेक के आउटबस्ट होने की वजह से हुआ था तो इट इज़ दी चोराबारी ताल ग्लेशियर ओके okay. चलिए बात कर लेते हैं साउथ लोकोंग लेक के बारे में तो सिक्किम हिमालय में सिचुएटेड है यहां पर रैपिड ग्लेशियर मेल्टिंग आपको देखने मिल जाएगी ड्यू टू ग्लोबल क्लाइमेटिक टेम्परेचर राइज देखिए इस इमेज को यहां पर सत्रह हज़ार फीट की ऊँचाई पर सी लेवल पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी ग्लेशियल मोराइन डैम्ड लेक है जो कि सिक्किम में नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगी फास्टेस्ट एक्सपांडिंग लेक है हिमालयन सिक्किम हिमालयन रीजन में और जो यहाँ पर चौदह पोटेंशियली आइडेंटिफाइड जो ग्लफ रीजन्स हैं उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है ऑल राइट आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मूव करते हैं हमारे मेन्स के क्वेश्चन की तरफ सो यू कैन सी टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द मेन्स प्रिपरेशन ऑन योर स्क्रीन वॉट यू हैव टू डू जस्ट राइट डाउन द आंसर क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन दी गिविन लिंक बिलो So thank you for watching this video do not forget to hit like button comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates thank you and see you tomorrow